खिलाफ शहर कांग्रेसी कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिले के थाना सदर कोतवाली परिसर में बैठकर किया धरना प्रदर्शन। जेल में बंद रेप पीड़िता को न्याय दिलाने और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्यालाल को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही पदयात्रा रुकवाने कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू सिंह कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से नाराज हाथरस शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टियां बांधकर थाने में किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कमेटी ने शाहजहांपुर से लखनऊ तक पदयात्रा निकालने का ऐलान करने पर प्रशासन ने यात्रा को रोकने के लिए सोमवार सुबह से ही कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद करना शुरू कर दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद सहित कई अन्य कांग्रेसी नेताओं के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर उन्हें नजरबंद कर दिया गया, जिसको लेकर देश भर में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथरस शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकालते हुए थाना सदर कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आज जो आपके द्वारा सदर कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया, क्या कुछ मांगे रहे हैं? लगातार आप देख रहे हैं कि भाजपा की तानाशाही सरकार लोकतंत्र की हत्या के पर हत्या की जा रही है। आज समाज के जो चार स्तंभ है इस देश के, वो चारों स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारों तक यह सरकार अटैक पर अटैक किए जा रही है, क्योंकि वह जानती है कि जो उसके साथ बोलेगा वो सही है, और जो लोकतंत्र के लिए सही बात कर रहा है, जो न्याय की मांग कर रहा है, वो गलत है। किस प्रकार उस बालिका का उत्पीड़न हो रहा है, किस प्रकार प्रदेश में नारी सुरक्षित नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज बेटियों पर शोषण कर रही है, बेटियों का अत्याचार कर रही है, और उसी के बेटियों के पक्ष में जब कांग्रेस पार्टी प्रदेश के हमारे विधायक दल के नेता अजय लल्लू जी, हमारे जितिन प्रसाद जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी जी, तमाम नेता जब पदयात्रा गांधीवादी तरीके से पैदल मार्च कर रहे हैं, तो ये भाजपा सरकार को नहीं सुहा रहा है। जो गांधी के नाम पे नौटंकी करते हो और गांधी को पूजने का ड्रामा करते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदैव गांधी और नेहरू की पार्टी को पालन किया है। कांग्रेस पार्टी सदैव गांधी के नाम पर चली है, और आज भी जब गांधी के दिखाए मार्ग, अहिंसा के मार्ग पर पदयात्रा चल रही थी, तो उस पदयात्रा को रोका गया, रोकना दूर बल्कि चलने ही नहीं दिया गया। इससे ज्यादा उल्लंघन तानाशाही की और ज्यादा इससे ज्यादा वारदात और क्या होगी। और आज पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके विरोध में है, इस भाजपा सरकार के और उस बेटी के पक्ष में आंदोलन कर रही है।